छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर छन भुलाहू। नमस्कार, मैं काजल सोनबेर और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। पूर्व सीएम उमा भारती प्राचीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर पहुंची। पीएम के अयोध्या के राम मंदिर में शिलान्यास करने पर कहा कि हमारी कामना थी जो भूमिका सोमनाथ के मंदिर में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की रही वैसे ही अयोध्या के मंदिर में पीएम की है। मंदिर निर्माण पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बयान को रामद्रोही बयान बताया। कहा कि पीएम 24 घंटे काम करते हैं, हवाई जहाज में भी फाइल निपटाते हैं, ऐसे में अगर पीएम वहां 2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। नेपाल के पीएम ओली के बयान पर कहा कि उन्हें लगता है तो एक राम मंदिर नेपाल में बना ले, समय रहेगा। हम लोग की यही कामना थी कि जैसे सोमनाथ के मंदिर में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका रही थी राजेंद्र प्रसाद जी की, उसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरे देश ने इस प्रकार से उस निर्णय का सम्मान किया। इसके लिए सबसे पहले देशवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए। जो सद्भावनापूर्ण वातावरण बना उस निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, उससे साबित हो गया कि भारत के लोग शांति से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। और अब भव्य मंदिर का निर्माण होना है, उस निर्माण के लिए मोदी जी पहुंचेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी रहेंगे। अभी मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि कोरोना की जो स्थितियाँ हैं उसमें वहाँ किसको रह पाना और किसको नहीं रह पाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो था वो हो गया, जिसके लिए हमने अपनी जान लगाई थी। मंदिर निर्माण को लेकर शरद पवार ने कहा है कि उनको पहले कोविड पर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे, इतनी हो रहा है ना बस, तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं, आज तक उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे, 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ये सोचती हूँ इस पर किसी को कुछ कहने नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि राम नेपाल में जन्मे थे तो मैं ओली साहब को कहूंगी कि एक राम मंदिर वहाँ बना दीजिए और आप उसका शिलान्यास कर दीजिए।